आज हम एक बहुत इजी चिकन पॉपकॉर्न का रेसिपी बनाएंगे विच विल बी सर्व विथ चिली जैम और वीडियो के एंड में एक मजेदार देसी स्टाइल में टाको बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, द रेसिपी सुपर इजी एंड सुपर फन। तो पहले चिकन पॉपकॉर्न बनाएंगे, जिसके लिए बोनलेस चिकन लेंगे, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और उसे मिंस कर लेंगे गार्लिक के साथ। नेक्स्ट मिंस किया हुआ मीट पे ऐड करेंगे सीजनिंग और ऑयल। फिर उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे पॉपकॉर्न के साइज में और गरम तेल में एग्जैक्टली जैसे रेडीमेड नगेट्स को तलते हैं वैसे इसको तल लेंगे अराउंड 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में। अगर लो फ्लेम में तलने जाएंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ देगा और वो क्रिस्पी नहीं रहेगा। नेक्स्ट चिली जैम बनाएंगे उसके साथ सर्व करने के लिए, जिसके लिए चाहिए चिलीज, शुगर और विनेगर। गरम पैन में चिलीज को सिर्फ सूखा रोस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर उसमें ऐड कर देंगे शक्कर, विनेगर और फिर धीरे आंच पे वेट करेंगे 10 मिनट के लिए, जब तक शुगर मेल्ट होके कैरमलाइज नहीं हो जाती है। जैसे ही शुगर थोड़ी सी जलने लगे हम उसमें पानी ऐड कर देंगे, साथ में ऐड कर देंगे नमक एंड आवर चिली जैम इज रेडी। इसके साथ एक मजेदार टाको बनाएंगे देसी स्टाइल में। सेम अमाउंट ऑफ चावल का आटा और बेसन लेना है, इसमें तेल डालेंगे, थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे, साथ में नमक। उसमें अब धीरे धीरे करके पानी ऐड करते रहना है और उसको मिलाते जाना है। फिर एक नॉनस्टिक पैन को गरम करेंगे, उसके ऊपर एक लैडल हमारा बैटर डाल देंगे। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विथ योर नॉनस्टिक पैन, यू कैन ग्रीस योर पैन विथ सम ऑयल। दोनों साइड को अच्छे से सेक लेंगे जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाती है। इस टाको के लिए मैंने बहुत सिंपल एक स्लॉ बनाया है दही और मस्टर्ड के साथ। आप मेयो या फिर आपके मनपसंद स्प्रेड यूज कर सकते हो। सारे कंपोनेंट्स को एक साथ असेंबल कर लेंगे एंड आवर टाको इज रेडी टू गो। चीयर्स। और इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए